नीतीश बाबू आज इस्तीफा दे, आज नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे, 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी का बिहार यूनिट विधानसभा चुनाव कराने के लिए, यदि आप में हिम्मत है तो 24 घंटे में विधानसभा को भंग कीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपसे लड़ने के लिए। आरजेडी ने कहा है लोकसभा को भंग करने के लिए ही विशेष सत्र बुलाई गई है, आरजेडी ने बयान दिया है स्पष्ट तौर पे कि ये अब ये आरजेडी का एजेंडा हमारा एजेंडा। नीतीश कुमार से जब पत्रकार ये पूछते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव बहुत जल्द हो जाएगा, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि चुनौवा हो जाए, चुनौवा हो जाएगा तो सब पता चल जाएगा और हमको पता है कि चुनाव चुनाव के समय से पहले हो जाएगा। और जब यही सवाल सम्राट चौधरी से पूछा जाता है तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार को अगर हिम्मत है तो विधानसभा को भंग कर दिखाइए, 24 घंटे के अंदर हम आपको बता देंगे कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है और चुनाव जीता कैसे जाता है। एक तरीके से आप समझिए कि नीतीश कुमार को चुनौती दी गई है कि आपको हम चुनौती देते हैं कि विधानसभा भंग कर आप दिखा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी एक बार विस्तार से सुन लीजिए। हम लोग तो तैयारी है, नीतीश बाबू आज इस्तीफा दे, आज नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे, 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी का बिहार यूनिट विधानसभा चुनाव कराने के लिए। लोकसभा तो शेड्यूल्ड है, 6 महीने में लोकसभा को चुनाव होना ही है, अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है, क्योंकि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है कि चुनाव की प्रक्रिया कब करना है, यह स्वयं प्रधानमंत्री जी तय कर सकते। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐतिहासिक होगा ये जो 5 दिन का बजट है, ये सत्र जो है, और सत्र के माध्यम से ऐतिहासिक कार्य भी हम करेंगे। तो लोकसभा का चुनाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही निर्णय ले सकते, लेकिन नीतीश कुमार जी को जो राजनीतिक हैसियत मिली है बिहार की जनता से, वो है कि विधानसभा का चुनाव करा सकते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं, यदि आप में हिम्मत है तो 24 घंटे में विधानसभा को भंग कीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपसे लड़ने के लिए। आरजेडी ने कहा है लोकसभा को भंग करने के लिए ही विशेष सत्र बुलाई गई है, आरजेडी ने बयान दिया है स्पष्ट तौर पे कि ये अब ये आरजेडी का एजेंडा हमारा एजेंडा। तो सुना आपने किस तरीके से सम्राट चौधरी ने बताया कि अगर चुनाव आज के समय में हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और एक तरीके से आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए ये चुनौती है कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो विधानसभा को भंग कर दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जनता हमें जवाब दे देगी तो आप एक बार विधानसभा में इस्तीफा दीजिए और कहिए कि अब चुनाव हो, और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो 24 घंटे के अंदर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है, और उसके बाद आपको जनता जवाब देगी। जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ किया जाएगा और चुनाव पहले हो जाएगा, यानी 2024 से पहले हो जाएगा, तो अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो जाइए विधानसभा और भंग कर दीजिए, और उसके बाद राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा दे दीजिए और कहिए कि विधानसभा को हम भंग कर रहे हैं और चुनाव हो, तब आपको पता चलेगा कि हम कितना मजबूत हैं। सम्राट चौधरी का ये चुनौती नीतीश कुमार अब एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ पर बयानबाजी चलते रहता है लेकिन कोई अपने पद से किसी के कहने पर इस्तीफा नहीं देता। कोई अगर कह दे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, हम आपकी जगह ले ले, तो यहाँ कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन एक तरीके से ये चुनौती दी जा रही है कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप इस्तीफा दीजिए, हम चुनाव लड़ कर दिखाएंगे। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, विधानसभा भंग करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।